ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। इस अभिक्रिया को समझने के लिए क्रियाकलाप देखते हैं। आप पार्सलिन की प्याली में 1 ग्राम कॉपर चून लें, उसे तिपाई या स्टैंड में रखें, बर्नर की सहायता से उसे गर्म करें। आप देखेंगे कि जो ये पार्सलिन की प्याली है, इसमें जैसे ही जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा, कॉपर का चूर्ण पार्सलिन की प्याली में काले रंग की परत चढ़ जाएगी। ये काला रंग का पदार्थ कॉपर ऑक्साइड होगा, जो कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनता है। इसका सूत्र इस प्रकार होगा, रासायनिक समीकरण 2Cu + O2 Cu O। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो जो सतह की काली परत है वह भूरे रंग में बदल जाएगी, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन खो देता है और फिर कॉपर प्राप्त हो जाता है। देखिए इस प्रकार Cu O + H2, इसे जब अभिक्रिया कराएंगे तो Cu + H2O मिल जाएगा, मतलब कॉपर प्राप्त हो जाएगा और H2O के रूप में पानी मिल जाएगा। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तब उसका ऑक्सीकरण होता है। जैसे यहाँ इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही थी, है ना, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके संयुक्त यौगिक बना रहा था, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऑक्सीकरण। परंतु जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन था पहले से ही, इसमें जब हमने H2 के साथ अभिक्रिया कराया तो ऑक्सीजन बाहर निकल गया और हमें सिर्फ कॉपर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात सरल शब्दों में अगर हम कहें तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब ऑक्सीजन का त्याग होता है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ देख लीजिए, तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था परंतु अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है या हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है। अर्थात इस अभिक्रिया में एक अभिकारक ऑक्सीकृत हो रहा है, वहीं दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ देखिए CuO का अपचयन हो रहा है और Cu बन रहा है, वहीं H2O में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऐसे ही कुछ अन्य और उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया के, ZnO + C, तो ये ZN + CO बन जाएंगे। फिर जब हम MnO2 + 4HCl करेंगे तो MnCl2 2H2O और Cl2। यहाँ इस अभिक्रिया में कार्बन ऑक्सीकृत होकर CO और ZnO में अपचय और CO बन रहा है और ZN जो है वो अपचयित होकर ZN बन रहा है। वहीं अभिक्रिया 29 में मैग्नीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ से ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है तो यह अपचयित हो रहा है। वहीं HCl में H2O है ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे 2Mg + O2, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा है। ये सभी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या रासायनिक पदार्थों में जो भी यौगिक बनने का क्रिया होती है वह उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की वजह से होता है। यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ कुछ क्रियाकलाप भी हैं, जैसे हमने कॉपर के चूर्ण के साथ किया था वैसे ही यहाँ लेड नाइट्रेट की मात्रा लेकर उसे जलाया गया है, और इसमें भी अभिक्रिया दिखाई गई है कि किस प्रकार PbNO3 twice PbO 4NO2 + O2 में विघटित हो जाता है। इस अभिक्रिया में अभिकारक के विघटन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हमने गर्म किया है ना बर्नर की सहायता से, तो हमने इसे ऊष्मा दी है। तो ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें हमें विघटन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसे अभिक्रियाओं को हम
ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है। एक और क्रियाकलाप है, यहाँ हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की रोशनी में रखते हैं। तो जब आप सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड रखेंगे तो यह थोड़े दिनों बाद या थोड़ी देर बाद धूसर रंग का हो जाएगा। यह प्रकाश की उपस्थिति के कारण सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। देखिए 2AgCl 2Ag+Cl2, यहाँ प्रकाश की उपस्थिति होगी, सूर्य के प्रकाश की। तो इस जब अपघटन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इस प्रकार की क्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। उसी प्रकार जब कभी दो अभिक्रियाएं हों और उसमें से ऊष्मा उत्पन्न हो तो वह ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम संयोग करते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के समय अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो इसे ही हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। या सरल शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारकों के मिलने पर उत्पाद बनता है और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, CH4+2O2 प्राकृतिक गैस है, उसका अगर दहन किया जाता है तो CO2 2H2O और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो यह जो अभिक्रिया है वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी।